क्या निर्मल चौधरी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये भविष्य के गर्भ में है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मुकेश बाकर जो है वो निर्मल चौधरी के समर्थन में उतरे थे। और बीते दिनों जब हमने निर्मल चौधरी से बात की थी तो उन्होंने कहा था मैं सचिन पायलट को अपना नेता मानता हूँ, और जब जीत के आए थे तब उन्होंने कार्यक्रम किया था उस वक्त उन्होंने कहा था मैं सचिन पायलट को अपना नेता मानता हूँ, सचिन पायलट को राजस्थान की सत्ता की कमान संभाल देनी चाहिए। अब ये वो जन हालांकि उन्होंने अपनी जनसंघर्ष दावेदारी करने की बात सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा में पूरे 5 दिन निर्मल चौधरी उनके साथ में रहे। जी बिल्कुल, देखिए कोशिश की जा रही है निर्मल चौधरी की ओर से कि सचिन पायलट उनके सर पर हाथ रख दें और उन्हें इस बार टिकट मिल जाए, क्योंकि जिस तरह निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे थे अमित शाह ने उन्हें निर्मल चौधरी को टिकट नहीं दी थी, और मुकेश वाकर पुरजोर तरीके से लग गए थे। मुकेश वाकर जो कि सचिन पायलट गुट के विधायक है वो पुरजोर तरीके से लग गए थे कि निर्मल चौधरी को जीत दिलाई जाए, और जिस तरह निर्मल चौधरी का कारवा बड़ा था इसी तौर पर सचिन पायलट इस बार निर्मल चौधरी पर भी गेम खेल सकते हैं। लेकिन क्या सचिन पायलट का क्या मानना है, क्या आलाकमान के सामने जो है निर्मल चौधरी की रिपोर्ट पेश करेंगे, क्योंकि निर्मल चौधरी जिस तरह जनसंघर्ष यात्रा में भी उनके साथ थे, और जब अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद का, उसके बाद जब घूमर पांडाल कार्यक्रम हुआ था उस वक्त भी उन्होंने हुंकार भरी थी कि मैं गरीब किसान का बेटा हूँ और मुझे मौका दिया सचिन पायलट ने और मैं आज राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। अब जनसंघर्ष यात्रा में भी अभी बीत अभी जब छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ था उसमें भी सचिन पायलट ने भी काफी तारीफ करी थी निर्मल चौधरी की, कि अच्छा वक्ता है, अच्छा बोलता है। निश्चित तौर पर देखिए युवाओं चेहरे को आगे लेकर आ रहे हैं, इससे पहले पूर्व शासन अनिल चोपड़ा वो भी लगातार जो है संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं सचिन पायलट से, वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभिमन्यु पूनिया जो कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे, जब मानेसर गए थे तो उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, वो भी टिकट की दावेदारी में है। निर्मल चौधरी का नाम भी हम ले सकते हैं कि निर्मल चौधरी भी टिकट की दावेदारी में है। तो क्या सचिन पायलट इस बार युवाओं को मौका दे सकते हैं? रामनिवास गवड़िया जो कि पहली बार टिकट के अलावा जीत गए वो भी अपने टिकट की दावेदारी करने में लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अध्यक्ष बनते ही ये बात कही थी कि 50% मौका हर जगह युवाओं को मिलना चाहिए। तो देखिए ये बात तो कांग्रेस का आला कमान खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि हम युवाओं को मौका देंगे, और कृषि सिंह गोविंद सिंह डोटासरा भी कह चुके हैं कि युवाओं को मौका देना चाहिए, युवाओं को जो है राजनीति में आना चाहिए, ताकि युवा राजनीति में आएगा तो देश और प्रदेश का जो विकास और बढ़ेगा और उन्नति बढ़ेगी। तो क्या इस बार, अगर देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर युवाओं को मौका मिलता है तो किसकी टिकट कटेगी, क्योंकि कांग्रेस में भी जो है 60 से ऊपर एज वाले जो है मंत्री हैं, विधायक हैं, तो किसकी टिकट कटेगी, क्योंकि कई विधायक तो ऐसे हैं जो 70 के पार भी पहुंच चुके हैं, तो इसको लेकर भी संशय बरकरार है कि क्योंकि कांग्रेस जो है मंथन तो करने में लगी है लेकिन युवा चेहरे भी कई आगे आ गए हैं, पार्टी कार्यालयों के बाहर भीड़ लग रही है, टिकट दावेदारी पेश की जा रही है, अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हुए आला कमान के सामने रखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि युवाओं को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों ही जरूर पार्टियां कहने में लगी हम युवाओं को मौका देंगे। देखिए मंथन तो जरूर होगा, विरोध के स्वर भी तेज होंगे जो है टिकट मांगने को लेकर, अपने अपने जो नेता है वो कम से कम 8 से 10 टिकट मांगने की कोशिश करेंगे, तो नाराजगी तो साफ तौर पर देखने को मिलेगी। इस नाराजगी को खत्म करने को लेकर आला कमान मंथन करने में लगा है, इसलिए कह सकते हैं कि जल्दी टिकट का वितरण हो रहा है।